बंधन है। रिकॉर्डिंग कर ले बच्चा। अब गाइस देखो बेटा, आप एग्जाम्पल नंबर 11 प्लीज पढ़िए एक बार प्लीज एग्जाम्पल नंबर 11 पढ़िए। आपको एक सर्कल बनाना है, बट वो सबसे छोटा सर्कल बनाना है। आपको वो दो पॉइंट्स बताए गए हैं जिसपे से वो पास हो रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई दो पॉइंट्स दिए गए थे, उससे ऑब्वियसली इनफाइनाइट सर्कल्स पास होते थे मेरे, ये हो गया या फिर ये हो गया। जैसे जैसे ये पॉइंट्स जैसे और बनाऊंगा सर्कल बड़े बड़े बनते जा रहे हैं, बट इसमें से अगर मुझे सबसे छोटा सर्कल बनाना है तो जैसे ये इसको मैं डायमीटर कंसिडर करूंगा और फिर बनाऊंगा, तो दिस विल बी बिहेविंग लाइक माई स्मॉलेस्ट सर्कल। तो ये एक दूसरा तरीका हो गया सिर्फ और सिर्फ आपको बताने का कि ये मेरा डायमीटर के पॉइंट्स है। फट से कर लो, फिर एक नए पार्ट के ऊपर आ रहा है जो इजी पार्ट है, ठीक है क्या? तो बस आपको उसका इक्वेशन बनाना है सर। तो अच्छा एक सेकंड, फट से करो बल पीछे भाई शांत। हाँ बेटा, लार्जेस्ट पॉसिबल ही नहीं है तेरे से पूछना। लार्जेस्ट सर्कल तेरे का डिफाइन नहीं कर सकता तू। तो कोई भी सर्कल जाएगा उससे और बड़ा सर्कल पॉसिबल रहेगा क्योंकि इनफाइनाइट सर्कल है। दैट वाज योर एग्जांपल नंबर 11 गाइस, छापने के लिए बुक वहां पे पड़ी है लेकिन आधा पेज छापना वहां से। यार इसने क्या पता ये क्यों किया, इसने जो भी किया सेंटर वेंटर ढूंढ के रेडियस वेडियस निकाल के क्या पगला पाना किया इसने। इसका सोल्यूशन मत छापना मेरे भाई, तेको मैं बताता हूँ। नीचे से पढ़ता हूँ क्वेश्चन भाई, वो x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू से करना है, पता नहीं क्या किया इसने। दूसरी प्रॉपर्टी सेंटर क्यों निकाला, फिर रेडियस क्यों निकाला, क्या किया वो जानता है भाई। सही में यार x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। गाइस हो गया ये क्रैश चिराग। अब गाइस प्लीज एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आ जाओ अब ये चैप्टर के। अब जनरल फॉर्म देखो, तुम लोगों ने एक बार ये प्लीज देखिएगा स्क्रीन पे अपने, तुमने सर्कल को इस फॉर्मेट में देख चुका था, तुम खोल बोल रहे थे तुमको ये फॉर्मेट में आ रहा था। अब इसी का उल्टा कभी मैंने आपको इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस फोर वाई प्लस थर्टीन इक्वल टू जीरो फॉर एग्जाम्पल ये, तो ये क्या मेरा सर्कल का इक्वेशन है या नहीं है, बस अगर है तो सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, वो चीज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो आप लोगों को एक्चुअल में ना सिर्फ स्ट्रेट लाइन सर्कल एंड पैराबोला है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एलिप्स एंड हाइपरबोला आल्सो। तो उसके इसमें ना आई थिंक कुछ इक्वेशन ऐसी बनती है कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस समथिंग कुछ मे बी टू एच एक्स वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये कुछ तो भी एक ना एक जनरल इक्वेशन होती है और अलग 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 कंडीशंस बताते थे उसमें, अगर ऐसा हो गया तो ये बन जाएगा, ऐसा हो गया तो ये बन जाएगा। बट फॉर्चुनेटली तुम लोगों को सब कुछ है ही नहीं, तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या है स्ट्रेट लाइन सर्कल एंड पैराबोला। तो तुम एक चीज सर्कल के लिए ध्यान रख लो, तुम्हारा सर्कल का जो जनरल फॉर्मेट रहेगा वो ये रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देखो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है। अगर मान लो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट फाइव फाइव भी हो जाता है तो पूरे इक्वेशन को मैं फाइव से डिवाइड कर दूंगे वापस इसको वन वन ही बनाऊंगा। बट अगर मान लो कुछ मेरा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर प्लस कुछ 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 रहा तो ये पक्का से सर्कल नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो ये चेक कर लेना कि क्या एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट मेरा वन है या नहीं है, तो सर्कल पक्का नहीं है। अगर है वो इक्वल तो जो भी था उसका डिनोमिनेटर में उससे पूरा का पूरा आप लोगों को डिवाइड करना पड़ जाएगा, ठीक है इक्वेशन को। किसी को इशू हुआ इस चीज में, ठीक है
अब आगे देखो प्लीज ध्यान दो बेटा, तुम्हारे इस फॉर्मेट में रहेगा बेटा, इसका सेंटर आप लोगों का होता है माइनस एफ, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। हाँ तो बेटा वो था तेरा x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो मुझसे पूछेगा तो मैंने क्या सीखा था, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो जब भी तू मुझसे इक्वेशन पूछता है ना तो पहले मेरे को x1 और y1 को h और k बोलना पड़ता है दिमाग में, फिर मैं बना पाता हूँ। ये मेरे को बड़ा टीवी x का y का 2gx + 2fy + c = 0 वाली, ठीक है। तब ये देखो मेरा सेंटर ये हो जाएगा और मेरा रेडियस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर। अब भी गई लाइट पूरी, पहले तक थी ऐसा, ठीक है। तो फट से अभी आप लोग ये लिखोगे जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लीज। अबे सब दिख रहा बे, सब दिख रहा, सुनो 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 गाइस, अपने प्लीज टॉर्च शुरू करो। देखो 15 दिन की छुट्टी तुम्हारे हाथ में, अगर मैं तुमको नहीं दूंगा ना तो फिर तुम्हारे को नुकसान होगा और तुम जब आओगे आप तुमको कुछ भी याद नहीं रखा, मैं इसलिए बता रहा हूं तुम लोगों को, ठीक है। ये देखो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, खातू भी नहीं क्या भाई घाट रहा है। जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा, वो आ जाएगा कभी ना कभी। पॉइंट्स टू नोट करके आप लोग प्लीज के नीचे लिख लीजिए, अरे तो सुनने के लिए लिख लो बेटा, अगर आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं भी हो रहा है कुछ भी, ठीक है। प्लीज प्लीज सुनो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर शुड बी सेम, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर शुड बी सेम फॉर इट टू बी अ सर्कल इक्वल। हाँ फॉर इट टू बी अ सर्कल। अब देखो आप लोगों का रेडियस क्या था, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी था। तो जो अंडर रूट ऑफ जी अंडर रूट के अंदर जो वाली है ना जी स्क्वायर, वो तब भी सर्कल नहीं बन पा रहा है आप लोगों का। देखो जो है तेरा रेडियस कितना था, अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी था। तो अगर अंडर रूट के दिया हुआ है, अगर जी स्क्वायर वैल्यू नहीं हो पाएगी जो उसको सैटिस्फाई कर पाएगा। कोर वालों को इमेजिनरी होता है, उसमें तुम्हारे को सर्कल रिप्रेजेंट करके दिखा देंगे, बट तुम लोग अंडर रूट समथिंग जो है वो निगेटिव हो गया तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट चीज, अगर मान लो गलती से जो अंडर रूट में था है
ठीक है, ये सर्कल जो था वो सर्कल नहीं, डी जनरेट बोलते उस चीज को, कॉमा माइनस एस। तो फट से लिखो आप लोग ये कंडीशन, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो, एफ स्क्वायर माइनस सी इज ग्रेटर देन जीरो इज ग्रेटर देन, देखो इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, डैश ऐसा करके यानी आरो बना के, इट रिप्रेजेंट्स वन पॉइंट ओनली विच इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ, विच इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ, दिस इज कॉल्ड डीजनरेट ऑफ सर्कल, सॉरी डीजनरेट ऑफ सर्कल नाम है बच्चा उस चीज। नेक्स्ट, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन जीरो, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन जीरो डैश, नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स वाई पॉसिबल, दिस रिप्रेजेंट्स एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई पॉसिबल, इट इज एन एम्प्टी सेट। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को क्या हुआ है? हाँ, अब ये देखो फट से, अब इसके आगे के अपन लोग सॉल्व कर रहे हैं। अपन ने एग्जांपल नंबर कहां थे पहुंच गए थे, नहीं इलेवेंथ हो चुका था हमारा, अब देखो ट्वेल्थ, अब ये फुद्दू सा है। ये देखो ये इक्वेशन है, यहां से हम लोगों को क्या करने का है, सेंटर ऑफ सर्कल भी ढूंढना है और रेडियस भी ढूंढना है। देखो मैं कंपेयर किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखो मेरे यहाँ पे जी की वैल्यू माइनस फोर हो रही है यहां से, करेक्ट, मेरे एफ की वैल्यू फाइव हो रही है, हाँ, मेरे सी की वैल्यू माइनस ट्वेल्व हो रही है यहां से, कोई इशू किसी को? सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस जी, और रेडियस क्या हो जाएगा मेरा, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, करेक्ट, विच इज अंडर रूट ऑफ 41 53। ये समझा क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पहले इससे कंपेयर करके, इससे कंपेयर करके इक्वेशन को जी एफ और सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोगों को पता है माइनस जी कॉमन माइनस एफ हमारा सेंटर है सर्कल का, और साथ ही साथ में क्या है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हमारा सर्कल का रेडियस है। ठीक है, फट से करेंगे आप लोग एग्जाम्पल नंबर 12। देख, 2gx is equals to minus 8x. So 2gx is equals to say plus 2gx equals to minus 8x. X से x कट गया, g की वैल्यू माइनस फोर आ गई, धीरे धीरे करके ओवरली जम जाएगा वो, x का जो कोएफिशिएंट रहता है उसका माइनस वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर देता है बेसिकली, बट रट मत तू। हाँ बेटा, ज्यादा नहीं करना, तो कोई कोई बात नहीं, प्लीज फटाफट करो बेटा, प्लीज 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 फटाफट करो। मैंने माइनस हाफ बोला था, हाफ से मल्टीप्लाई करना, एक्स से कोएफिशिएंट का आधा जो रहता है वो जी बनता है, वाई का कोएफिशिएंट का जो भी रहता है उसका आधा वो, तो माइनस फोर और फाइव से जी और एफ बना था, उसका नेगेटिव जब तू करता है तो तेरे सेंटर बनता है, पर उससे भी सेंटर की तरफ जा रहा है, जी की तरफ से जा रहा है, हाँ, नेगेटिव हाफ दोनों के जो रहेंगे वो तेरे सेंटर बना लेगा, बट हाफ जो रहेगा वो जी और एफ की वैल्यू बनाएगा। एग्जांपल में 12 फट से कर लो, क्या बेटा आगे आगे।
पढ़ना रावटी क्या बोला पढ़ना रावटी रावटी बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अब गाइस ये देखो, सर कर लेंगे ना? नहीं बेटा नहीं समझे, कुछ फटाफट। अब एग्जांपल नंबर 13 देखो, ठीक है अच्छी बात है बेटा। पहले इसको तो मैंने जनरल फॉर्मेट में लाया, तो 3x² + 3y² + 6x - 4y - 1=0। अब बेटा x और y का कोएफिशिएंट क्योंकि इक्वल था, तो हाँ मैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोच रहा था। अगर वो इक्वल नहीं होता तो गेम ओवर, वो सर्कल पक्का नहीं था। अब मैंने सबको 3 से डिवाइड किया है मैंने, ठीक है। तो x² + y² + 2x - 4/3y - 1/3=0। अभी भी मैं पक्का नहीं होता सर्कल है या नहीं है, क्योंकि मेरे को देखना पड़ेगा जो रेडियस जो है उसका वो क्या है। तो पहले तो देखो g की वैल्यू कितनी हो रही मेरी 1, f की वैल्यू कितनी हो रही मेरी -2/3, c की वैल्यू -1/3। तो हो जाएगा √g² + f² - c था। तुम्हारा g पॉजिटिव रहने वाला है, g स्क्वायर तो पॉजिटिव रहेगा, f स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा, माइनस ऑफ c जो होने वाला है वो अपना पॉजिटिव हो जाएगा, तो अंदर कुछ पॉजिटिव नंबर आने वाला है। तो पक्का से ये सर्कल है, तुम उसका सेंटर भी बता सकते हो, उसका रेडियस भी तुम लोग खुद से, अब वो तो रेडियस तुम निकाल ही रहे होगे, वो तुम बता सकते हो। सेंटर तुम्हारा -1.2/3 हो ही चुका है, ठीक है। सेम यू विल बी डूइंग विद सेकेंड सब पार्ट एंड थर्ड सब पार्ट, ठीक है। देखो इसके अंदर ना एक्स वाई वाला टर्म नहीं होना चाहिए, चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल में दिया हुआ तो नहीं है एक्स वाई वाला टर्म, बट गलती से एक्स वाई वाला टर्म आ जाए तो सर्कल नहीं रहेगा। प्लीज ये तीनों सब पार्ट फटाफट कीजिए प्लीज। मतलब मान लो कि यहाँ पे कुछ तो भी इसके साथ में -3xy भी लिखा हुआ है, तो वो एक्स वाई वाला टर्म रहेगा। नहीं नहीं बेटा अभी करो फटाफट, तुम करोगे क्या फिर अपने आप से घर पे? एक कर लो, चलो फर्स्ट सब पार्ट कर लो, बचे हुए वो तुम्हारे एक्सरसाइज में आ जाएगा। नहीं नहीं बेटा 10 मिनट और है, 10 ही मिनट और है। इसका नाम क्या है? 8 विकेट हो गई है सेडानी। हाँ बेटा, हाँ हाँ अभी पहले कर फटाफट। हाँ ठीक है, प्लीज थोड़ा क्विकली करना। वो पीछे जो तुम्हारी पेप्पी भी पड़ी है, पेप्पी का कचरा उस दिन का, वो ये खादा सूरजन गपागप गपागप। अब गाइस ये देखे, एक ही करो मैंने बोला मेरे भाई, एक ही करो मैंने बोला है। प्लीज 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 बेटा बातें मत करो, प्लीज बातें मत करो यार। बेटा मैं और 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल में 14 अपने वो करने हैं। प्लीज आगे के एग्जाम्पल बहुत सिंपल सिंपल से अगर समझ में आ गए तो मैं आप लोगों को पूरे एग्जाम्पल से भी समझा दूंगा तुमको, फिर आज होमवर्क ही दूंगा कि मेरे को ये एक्सरसाइज कंप्लीट जो करनी है। अब एक बार के लिए देखो, ओए जो तुम लोग कर रहे हो बस छोड़ दो। अब ये देखो एग्जाम्पल नंबर 14 देखो, प्रूव दैट द सेंटर्स ऑफ दीज सर्कल्स जो भी है, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, ये आर कोलिनियर। देखो पहले तुम लोगों को सेंटर निकालना आता है, इसका सेंटर होने लगा 2, 3, इसका सेंटर होने लगा -1, -2, इसका सेंटर होने वाला है 5, 8। तुमको ये 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करना है। तुम्हें मल्टीपल तरीके थे कोलिनियर करने के, याद है 2 का डिस्टेंस का सम इजी को से तीसरा डिस्टेंस, या स्लोप इक्वल करना, मैं तो स्लोप इक्वल करूंगा कभी भी ऐसे इसमें, या फिर एरिया इक्वल टू जीरो, कुछ मल्टीपल तरीके थे। मैं तो स्लोप
इसका इसका स्लोप इजी को इसका इसका स्लोप बोल दूंगा मैं, आया है तो बस खत्म हो गया, ठीक है, कोलिने वाला y2 minus y1 upon x2 minus x1 वाला स्ट्रेट लाइन का कांसेप्ट, ठीक है क्रिश? नहीं भाई, स्लोप y2 minus y1 upon x2 minus x1 क्रिश, दो पॉइंट्स का स्लोप क्या नहीं दिया है क्रिश? ये तीन पॉइंट्स हो गए ना मेरे पास में, माइनस वन कॉमा माइनस टू, टू कॉमा थ्री और फाइव कॉमा एट, ये तीन पॉइंट्स है, तो कोई भी दो पॉइंट्स का स्लोप, फिर बचे हुए दो पॉइंट्स का स्लोप, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 14। 15th वाला देखो बेटा, रियली नाइस क्वेश्चन, ये इसको टच कर रहा है, टच कर रहा है मतलब टेंजेंट है, तो बेटा परपेंडिकुलर देखो, ये अगर सर्कल है ये टेंजेंट है, तो सेंटर से टेंजेंट के ऊपर जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर रहेगा, रेडियस के बराबर रहने वाला है वो, तो देखो पहले सर्कल का सेंटर ढूंढ रहा है, ये सर्कल का सेंटर है 0.0, रेडियस है मेरा इसका 4, ठीक है, तो 0.0 पॉइंट से इस लाइन के ऊपर, इस लाइन को पहले सही फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, रूट थ्री एक्स माइनस वाई प्लस के इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, अब 0.0 से इस लाइन पर डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 यूनिट्स होने वाला है, तो देखो पॉइंट और लाइन का डिस्टेंस कैसे निकाल देते, इसको सेटिस्फाई कर दो इसके अंदर, रूट थ्री इंटू जीरो माइनस जीरो प्लस के अपॉन अंडर रूट ऑफ ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, नहीं तो रूट थ्री का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, मतलब बेसिकली 2 बन जाएगा, का मॉड इज इक्वल टू मुझे 4 पता है, तो मॉड ऑफ के बाई 2 इज इक्वल टू 4 हो रहा है मेरा, तो मॉड के की वैल्यू मेरी 8 हो रही है, तो के की वैल्यू या तो 8 या तो माइनस 8 हो जाएगी, समझाई थी क्या हुआ है? ये था एग्जाम्पल नंबर 15। 16th पे आ जाओ बेटा, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज, ठीक है, एंड हू सेंटर लाइज, सॉरी सेंटर लाइज ऑन दिस, ठीक है, तब ये देखो, चलो इसके सोल्यूशन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये दोनों पॉइंट्स इस पे सेटिस्फाई कर लोगे तुम लोग, कोई इशू है? तो तुमने जनरल इक्वेशन मान लिया सर्कल की, तुमने ये दोनों पॉइंट्स में सेटिस्फाई कर लिया, देखो तुम्हारे वेरिएबल्स जी एफ और सी है बस, कोई इशू है यहां तक किसी को? देखो दो इक्वेशन बनी बट तुम्हारा सोल्यूशन नहीं निकला, ना जी का ना एफ का ना सी का कुछ भी ऐसा अभी तक का, ठीक है, अब ये देखो ये एक काम करो, उसका वो वाला छोड़ो, ये वाला तरीके से देखो तुम लोग, यार रुक जाओ, तुम लोगों ने इंस्टेंट क्या किया, तुमको अभी जो मैंने बताया था, तुम्हारा ये दो पॉइंट्स पता है, सर्कल का सेंटर इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ही लाई करने वाला है, हाँ तुमको ये पॉइंट पता है 2.3 है, ये -1.1 है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तुमको बनाना था इक्वेशन, पहले देखो इसकी स्लोप कितनी रहने वाली है, 3-1 अपॉन 2-1, तो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप -3/2 हो जाएगी, वो काय पे से पास होगा, ये मिड पॉइंट पे से पास होने वाला है, मतलब 1/2, 2 से पास होने वाला है, तो ये इक्वेशन आप निकाल सकते हो, ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? नहीं नहीं बेटा, ये इक्वेशन तेरी बनी है, उसने बोला है वो इसके ऊपर लाई करता है, अब ये जो दूसरी कोई रैंडम लाइन है, ये दोनों लाइन साइमल्टेनियसली अगर बेटा सॉल्व करेगा तो देखो सेंटर मिल जाएगा, देखो एक बार समझो प्लीज, एक बार समझो प्लीज, आप लोगों को सर्कल के दो पॉइंट्स दिए गए हैं, मैंने इसलिए आपको सबके साथ प्रॉपर्टीज बताई थी आज, सर्कल के ऊपर लाइन दो पॉइंट्स पता है आप लोगों को, अब इस लाइन से अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन बनाते हो, इस पे ही कहीं पे तो भी सेंटर लाई करने वाला है, उसका बोलने वाला ये कोई और अलग मेरी इक्वेशन दी गई है, ये उस पे लाई कर रहा है, तो दोनों का जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तुम्हारे को सेंटर मिल जाएगा सर्कल का, तुमको सेंटर पता है डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस निकाल लेना, तुम्हारा इक्वेशन आ जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 16 है, एग्जांपल नंबर 16 हुआ है, अब 17 देख लो बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दीज थ्री पॉइंट्स, अगेन तुम चाहो तो वो पगला पना इसमें डाल डाल के कर सकते हो, रादर तुमको तीन पॉइंट्स पता है, एक ये एक ये एक ये, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बना सकते हो आप लोग, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बना सकते हो आप लोग, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, वो सर्कल का सेंटर बन जाएगा, वहां से कोई भी पॉइंट से डिस्टेंस निकालोगे सबका इक्वल आएगा, वो रेडियस बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर एग्जांपल नंबर 17, ये तो इजी है, शो दैट दीज पॉइंट्स आर अनसाइक्लिक, ठीक है,
पहले कोई भी तीन पॉइंट से, मान लो ये तीन पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन बना लो, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई भी तीन पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन बना लो, मे बी आपने ये तीन पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन कुछ बनाई, ठीक है, तुम्हारी कुछ तो भी इक्वेशन बनी, उस इक्वेशन में ये पॉइंट को दिखा दो कि सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये चौथा पॉइंट भी सर्कल के ऊपर ही लाए करता है। जैसे ऊपर बनाया इक्वेशन है, जैसे तुमने ऊपर वाले क्वेश्चन में बनाया ना तीन पॉइंट से इक्वेशन, वैसे यहाँ पे भी बना लेना, जैसे तुमने बनाया उससे तुम्हारा फिर दिखा देना कि ये पॉइंट भी लाए करता है उसी के ऊपर, या फिर तुमने जैसे सर्कल का सेंटर ढूंढ लिया, ठीक है, तुम इक्वेशन बनाओ ही मत, वो सेंटर से ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये पॉइंट का डिस्टेंस सबकी सब इक्वल है, तुम ये भी अगर बता दोगे तो भी वो कॉन्साइक्लिक ही बन जाएगा। सर्कल के सेंटर से चार पॉइंट का डिस्टेंस अगर इक्वल है, मतलब वो चारों के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे थे अपने, समझा जी क्या हुआ है। दैट इज गोइंग टू बी योर एग्जांपल नंबर 18 एंड लास्ट वाला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ये तीन लाइंस का। तो देखो ये तुम्हारे तीन लाइंस जो है, ठीक है, ये तीनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आप लोगों को पहले निकालने पड़ेंगे, फिर तुम्हारे को तीन पॉइंट चल गए तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा सर्कल का सेंटर तुम निकाल सकते हो, तो तुम्हारे को सर्कल का सेंटर जो है उसके बाद में आप लोगों को सर्कल का इक्वेशन भी बनाना है, समझाई थी क्या हुई है। ये बहुत फालतू के क्वेश्चन है, हाँ बोलो, नहीं सेंट्रोइड से नहीं आएगा। अच्छा यहाँ तक किसी को कोई इशू था, आप लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है, देखो यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम आई नो, बट तुम लोग जितना डिले करोगे स्टार्ट होना उतना तुम भूल से जाओगे, तुमको वीडियो देखना पड़ेगा। बेटा मैं सेकेंड को जब आऊंगा मैं सबसे पहले सिर्फ होमवर्क डिस्कस करूंगा, जो तुम्हारे ऊपर के एग्जाम्पल से पूरे वो और ये वाले, किसी को कभी कुछ भूल गए तो प्लीज ये वीडियो देख लेना, मैं अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए निवेदिता बेटा मीटिंग वो मीटिंग एंड कर रहा हूँ, मैं तुझे बता दूंगा फिर आगे का, बाय बेटा। आई थिंक सर आई थिंक कंप्यूटर रहेगा।